हाँ तो भाई, हमने बोला था कि हम अपना फर्स्ट Q&A लेके आ रहे हैं, तो अपना फर्स्ट Q&A लेके आ गए हैं। तो कुछ लोगों ने जैसे मैसेज किए थे, हमने बोला था कि, तो इंस्टाग्राम पे भी कुछ मैसेज आए थे, कुछ कमेंट्स थे उधर से भी उठाए थे, एक दो कमेंट्स से उठाए। तो भाई, जो हमारे क्वेश्चन हैं वो, मतलब हम जब करेंगे, मतलब जो लोगों के, यार एक गलती कर दी हमने ना, नाम लिखने भूल गए कि किसके क्या हैं। तो मतलब कि ये मैंने सब नोट डाउन कर लिए थे, और क्वेश्चन किस किस के क्या हैं, मैं चलो जब देंगे हम आंसर, तो मैंने ये गलती कर दी। नेक्स्ट टाइम हम भी ध्यान रखेंगे, शायद ये ध्यान रखना कि किसका क्या क्वेश्चन है, क्या क्या, ताकि जो बंदा है उसका हम आंसर उसका नाम लिख के दे सकें। तो भाई फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ी गड़बड़ होगी। बाकी इस Q&A के बाद आज हम 11 बजे लाइव भी आ रहे हैं, तो सब भाई आ जाना। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपना इंट्रो से स्टार्ट कर देता हूँ। भाई मेरा नाम प्रवीण है, घर में सब मोनू बुलाते हैं, ये साहिल है ही, और भाई अभी आगे आगे जो क्वेश्चन उनमें आंसर कर ही जाएंगे, बस इतना तो काफ़ी है। घर पे मेरे को मोनू बुलाते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन था कि, ये दो तीन लोगों ने बोला था कि, मतलब कि पूछा हुआ है कि साहिल क्या लगता है आपका। तो भाई साहिल की मम्मी और मेरी मम्मी मौसी हैं, साहिल मेरी मौसी का लड़का है, और हम जस्ट हमारे घर भी आगे पीछे है, और बहुत अच्छा फैमिली बॉन्डिंग है हमारी। तो साहिल मेरी मौसी जी का लड़का है। दूसरा है भाई अपने, अरे भाई आपने अरेंज मैरिज की है या लव मैरिज। भाई अरेंज की है, लव नहीं है। तो और हाँ एक चीज़ और कि तुम लोग ये वो जो वीडियो थी ना, उसको देख के कई लोग, मैंने एक दो देख कमेंट देखे थे, बोल रहे थे कि भाई लड़ाई हो गई क्या काजल की, तब घर छोड़ के चली गई। भाई घर बार छोड़ के नहीं गई है वो अपने मायके गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इधर ही थी। तो उसके फैमिली ने बोला कि थोड़े दिन आ जा, क्योंकि अभी जस्ट शादी हुई तो उनका घर वाले भी मन नहीं लगता ना, आप समझ सकते हो। तो उनके घर वालों से मिलने गई है, तो वो 5-7 दिन 10 दिन में आ जाएगी वापस। और वो जस्ट एक फ़न के लिए हमने वीडियो बनाई थी, मैं नाच रहा था ये वो, तो वो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि भाई फैमिली में कौन कौन है। भाई मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा हैं, छोटा भाई है, मैं हूँ, दादी हैं, और अभी काजल है। और साहिल की फैमिली में, साहिल बता। मैं हूँ, भाई है, मम्मी पापा और दादाजी। दादाजी हैं। तो साहिल की फैमिली में भी 5 लोग हैं, मेरी फैमिली में पहले 5 थे, अब 6 हो गए जब काजल आ गई है। दूसरा है काजल वीडियो में क्यों नहीं आती। भाई उसका रीज़न तुमको पालूम ही है ऑलरेडी। तो जैसा कि बोला हुआ है कि वो खुद ही बोली कि, मतलब एक तो वो थोड़ी शाई है, धीरे धीरे हो रही है, वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद अभी वो बोल रही है कि मैं 10K पे आऊँगी, सब स्पेशल मतलब कि इंट्रो करूँगी मैं अपना। तो भाई जल्दी जल्दी 10K करवा दो, तो आ जाएगी वो भी, तुम्हारी ये डिमांड भी पूरी हो जाएगी। दूसरा है आपके सब्सक्राइबर कितने हो गए। यार बस हो गए हैं, चल रहे हैं काउंट डाउन, तो भाइयों का प्यार मिल रहा है, बढ़ रहे हैं। तो जब हो जाएंगे बताने लायक तो हम बता देंगे, कोई इशू नहीं है उसका। वैसे तो कोई छुपाने वाली बात है नहीं, बट हो जाएंगे जब बता देंगे आपको, जल्दी पता लग जाएगा। दूसरा भाई यूट्यूब से कितना कमाते हो। लगा भाई अंडा अभी भाई कुछ भी रहे हैं अभी। अभी तो खर्च कर रहे हैं हम, कुछ कमा नहीं रहे। जब कमाने लगेंगे तो बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे कि भाई हमने इतने कमाए, इतने नहीं कमाए। तो अभी तक कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो जब हो जाएगा ये पेमेंट स्टार्ट, तो आपको ज़रूर बताएंगे। फर्स्ट पेमेंट पे भी बताएंगे कितनी आई, क्या आई है, सब बताएंगे आपको, एक हर एक चीज़ बताएंगे। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, यूट्यूब कब से स्टार्ट किया और क्यों किया। ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। तो भाई यूट्यूब स्टार्ट किया हमें 1-1.5 महीना ही हुआ होगा, 1-1.5 महीना ही हुआ है। और क्यों किया, क्यों किया ये कि भाई प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, अगर सक्सेसफुल रहता है तो चैनल थोड़े पैसे भी बन जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमने ऐसे ही प्लान किया, वीडियो जस्ट ऐसे ही बनाने लगे, और फिर व्यूज़ आने लगे, हम लोगों को मज़ा आने लगा, और फिर भाई बनाते चले गए। तो अभी बनाते जा रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रही है तो हम और बनाते जा रहे हैं, तो अभी बनाते भी रहेंगे। डेली व्लॉग आता है 6:30 बजे मॉर्निंग में, तो देखा करो आप लोग भी। अच्छा उसके बाद यूट्यूब का हो गया ये। भाई आपका गांव कौन सा है। ओके भाई मेरा गांव गणियार है, अटेली मंडी सुना हो अगर किसी ने, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अटेली के पास है मेरा गांव गणियार। तो ये भी आंसर दे दिया आपको, वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन हम बता रहे हैं। कितने साल से मर्चेंट नेवी में। भाई मैंने 2015 में कोर्स किया था, और फिर मैं पहले क्या था कि स्पॉन्सर्ड नॉन स्पॉन्सर्ड वाला सीन होता था, तो मैं स्पॉन्सर्ड नहीं हो पाया था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से।
उसके बाद मैंने 1.5 साल मैंने वेट किया। उसके बाद मैंने नवंबर में अपना फर्स्ट 2017 नवंबर में मैंने पहला जहाज ज्वाइन किया था। देन अगेन 2018 में 6 सितंबर को, फिर 19 में 1 दिसंबर को, और अभी मैं सेकंड मेट कर रहा हूँ तो घर पे हूँ थोड़े दिन के लिए। अरे भाई लोग हो गया, लोग हो गया यार, कोई नहीं। अच्छा, कितने साल से मर्चेंट हो गया है? आपका रैंक क्या है? भाई मेरा रैंक कैडेट था। मैं कैडेट बता दूं आपको, जो ऑफिसर लाइन से सबसे जूनियर रैंक होता है वो कैडेट होता है, क्योंकि अगर आपको ऑफिसर लाइन में जाना है तो आपको कैडेट से शुरुआत करनी पड़ती है। तो मैं कैडेट था, 18 महीने शिप पे ट्रेनिंग करके आ चुका हूँ। मतलब 18 क्या, 21 महीना हो गया मेरे को, मैंने 3 जहाज किए हैं। 21 महीना हाँ यार, समझ गए ना तुम, 21 महीने किए हैं मैंने। अच्छा, उसके बाद है भाई, क्या लड़कियां भी मर्चेंट नेवी में जा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकती हैं। पहले तो था थोड़ा, मतलब लोग लड़कियां कम थी, कम प्रेफर करती थी, लेकिन अभी काफ़ी इनक्रेज कर रहे हैं वुमेन सेलर्स को, और बहुत अच्छा है। अगर आपकी फैमिली और आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो बिल्कुल जाइए। काफ़ी कंपनियां हैं वो स्पॉन्सर करती हैं फीमेल कैडेट्स को, तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम मेरा डीएम में, मतलब डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप मेरे को इंस्टाग्राम करके पूछ लो। अगर किसी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को। अच्छा, आपकी ड्रीम कार कौन सी है? भाई सर एक बात बता दूं, मैं गाड़ियों के पीछे बहुत क्रेजी हूँ। ड्रीम कार यार, मिडिल फैमिली से हैं तो मिडिल फैमिली तक का ही बजट बता सकते हैं। तो भाई मेरे को नहीं नहीं अल्टो यार, तो भाई मेरे को थार अच्छी लगती है, जो कि अभी चल है, देख रहे हो आप, ब्लैक थार। पहले मैं स्कॉर्पियो मेरे को अच्छी लगती थी, लेकिन जब से ये थार आई है तो मेरी चेंज हो गई ड्रीम का, तो मेरे को थार अच्छी लगती है। और भाइयों का सपोर्ट रहा तो एक दिन ले भी लेंगे, तो ऐसे सपोर्ट करते रहो। अच्छा, अगर आप सुबह उठो और आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो क्या करोगे? भाई मेरे को तो विश्वास ही नहीं होगा। पहले तो मैं उठूंगा, मुंह धोऊंगा 2-3 बार, खुद को ऐसे चुटकी काटूंगा, बस पता नहीं भाई क्या होगा। जब होगा तो मैं पक्का रिकॉर्ड अरे करूंगा मोरी मैया यू का मैं देखियो पक्का रिकॉर्ड करूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो होप्स वैसा हो जाए, और होगा एक दिन, 1 लाख भी होंगे आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल होंगे। अगर मर्चेंट नेवी में ना होते तो क्या जॉब करते? यार मेरा ना एक काइंड ऑफ ड्रीम जॉब भी थी ये। मैं मतलब मेरी फैमिली में काफ़ी लोग हैं मर्चेंट नेवी में। मेरे मामा जी थे, मतलब नाना जी थे, वो कमांडर रिटायर्ड थे फ्रॉम इंडियन नेवी, एंड देन उसके बाद उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया। फिर मेरे मामा जी थे, और भी 2-3 हैं मतलब फैमिली रिलेटिव्स। तो मैंने कभी दूसरे बारे में सोचा नहीं, मेरा ड्रीम जॉब था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैंने सोचा नहीं। बाकी अगर मैं कुछ नहीं होता तो मे बी शायद मैं कोई बिजनेस करता, या मे बी कोई गवर्नमेंट जॉब कर लेता, वो किस्मत पे थी। अभी ये है तो भाई ये कर रहे हैं। अच्छा, दिन में कितना खाना खाते हो? भाई तुमको मेरी सेहत देख के लग ही रहा होगा कितना खाता हूँ। रोटी बता काउंटिंग में यार 2 पराठे सुबह खाता हूँ, दोपहर में कुछ हल्का ही खाता हूँ, फिर इवनिंग में 3 रोटियाँ खाता हूँ बस। वैसे गिननी नहीं चाहिए, काउंट नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, बट फिर भी मैंने बता दिया, इसने साहिल ने बोला है तो इतना ही खाता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं खाता। और ज़्यादा खाता तो तुम्हें लगता, दिख ही जाता कहीं। अच्छा, काजल आपको पीटती तो नहीं बहुत ज्यादा भाई? बहुत ज्यादा दुआ से अभी तक तो नहीं, इन फ्यूचर का कह नहीं सकते, तो जो अभी भी तक होता तो है नहीं मैं कभी पीटती वीडियो भाई। बनाऊंगा फिर आपको नहीं नहीं दिखाऊंगा भाई, बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पीटती, पीटती नहीं है भाई। अच्छा, आपको चैनल मोनेटाइज हो गया क्या? यार सिंपल सी बात है, जब पैसे नहीं कमा रहे तो मोनेटाइज कहाँ से होगा, लेकिन बहुत जल्दी होगा, बहुत करीब है, और जब तुम चाहोगे तब हो जाएगा। तो दिल से सपोर्ट किया करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर किया करो वीडियोस को, और सब्सक्राइबर नहीं सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सभी के भी सब्सक्राइब कर लो। तो हो सकता है कभी भी हो सकता है मोनेटाइज, आप ये समझ लो, जब आपकी सपोर्ट हो जाएगी पूरी आपकी साइड से, तब भी मोनेटाइज हो जाएगा। बहुत काफ़ी करीब चल रहे हैं मोनेटाइजेशन के। आप किससे ये क्या है कर दिया, आप किससे स्टार्ट करते हो? सूट है अच्छा, ओके ओके, आप किससे शूट करते हो? भाई मैं ना मेरे फ़ोन से ही शूट करता हूँ,
और उसके बाद उसी में सेम क्वेश्चन है ये कि कौन से सॉफ्टवेयर से एडिटिंग करते हो। तो भाई फ़ोन से हम शूट करते हैं और मेरे फ़ोन से ही हम एडिट करते हैं, एक इनशॉट करके है हम तो उससे करते हैं, काफ़ी लोग काइन मास्टर से करते हैं लेकिन हम लोगों को इनशॉट ज़्यादा ईजी लगता है, तो हम इनशॉट से ही करते हैं हमारी सारी वीडियोज़ को एडिट। अच्छा, किसी सेलिब्रिटी से मिले हो आज तक? यार सेलिब्रिटी क्या बताऊँ, अमिताभ बच्चन की शूटिंग देखी है मैंने, उससे वीडियो पर्सनली भी नहीं। है। हाँ वीडियो भी है मेरे चैनल पे, देखोगे तुम। मतलब काफ़ी पास से निकला था वो, कितना बताऊँ, 3 3 फीट 3.5 फीट की दूरी रही होगी। और पर्सनली हाँ मिला था भाई, अनूप कुमार से मिला था, अनूप कुमार से मिला हूँ, एक बार मिला हूँ भाई। वो मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके कुछ रिलेटिव हैं तो उसकी शादी में आए थे मेरे ही गांव में, तब उनसे मिला था, तो मिला हूँ भाई। कैप्टन को और उसके बाद भाई, भाई शिप पे डर नहीं लगता अगर डूब जाएगी तो? भाई देखो बात है ऐसी कि पहली बात तो शिप डूबती है नहीं। अभी तुम बोलोगे कि यार अभी वो डूब गया वो डूब गया, तो भाई कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें अगर कुछ किस्मत भी बोल सकते हो उसके लिए, लेकिन काफ़ी सेफ ही रहती है। मतलब शिप ऐसा नहीं है कि आप डूब जाओगे, बहुत रेयर चांस होते हैं कि ब्लैकआउट हो गया, इंजन फेलियर हो गया, या फिर भाई होते हैं कुछ। मैं ज़्यादा नहीं ओपन होना करना चाहता क्योंकि मैं किसी को डिमोनिटाइज नहीं करना, सॉरी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता कि भाई आप लोग ये सब चीज़ें सुन के और आपका मन बदल जाएगा, आपकी ड्रीम जॉब है मेरी तरह और आप बोलो कि अच्छा ऐसा ऐसा भी हो सकता है क्या। ऐसा कुछ नहीं होता यार, बहुत कम चांस होते हैं कि इतना तो अगर, सभी चीज़ में यार, हाँ इतना हाँ तो हर तो चीज़ में होता है। अभी तुम बाइक पे जा रहे हो तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, वो तो कुछ भी हो, भगवान किसी का हो ना ऐसा, लेकिन वो सिर्फ यार होता है, क्राइटेरिया होता है उसमें कुछ भी, जब तुमको जो होना होगा वो हो जाएगा। तो भाई मोस्टली अभी इतने ही क्वेश्चन हमने पिक किए क्योंकि ये हमने थोड़े लगे थे कि ये वाले क्वेश्चंस का आंसर देना ज़रूरी है। कुछ एक दो क्वेश्चंस थे जो हमें लगा कि छोड़ देने चाहिए, जेन्युइन नहीं थे इतने। तो आप भी मोस्टली जितने भी आपके क्वेश्चंस थे हम उनका आंसर दे चुके हैं। फर्स्ट अपना Q&A था भाई, जैसा था फर्स्ट टाइम था जैसा आंसर मिला है उसमें, इस बार प्लीज़ थोड़ा अपना एडजस्ट कर लेना, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछा करो, अच्छे अच्छे पुटअप किया करो ताकि हम अच्छे से और आंसर दे सकें उनका। बाकी तुम्हारी मतलब हम लोगों ने कमिटमेंट कर दी थी, वैसे हमने शूट करके रखी है आज के लिए वीडियो ऑलरेडी, लेकिन ये कमिटमेंट हम लोग कर चुके थे कि हमारा फर्स्ट Q&A आने वाला है, तो फर्स्ट Q&A ये डालना ज़रूरी था। तो आज हमने अपना फर्स्ट Q&A डाल दिया है, बाकी बताना कमेंट करके कैसा लगा आपको। दूसरी बात, आज हम मैं फिर दोबारा आपको नोटिफाई कर रहा हूँ कि 11 बजे हम लोग लाइव आ रहे हैं, आज मतलब संडे को, आज है ना, तो आज 11 बजे हम लाइव आएंगे। तो सारे भाई आके ज्वाइन करना भाई, और सपोर्ट करना और शेयर करना सब अपने दोस्तों को, ताकि अभी भाई वैसे तो मिल नहीं सकते कोरोना में, जल्दी मीटअप भी करेंगे तो अभी लाइव ही मिल लेंगे। ठीक है भाई, तो आज के व्लॉग में था इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अच्छे अच्छे कमेंट करना, तुम्हारे क्वेश्चन हैं वो कमेंट करना, और अगर कोई नया है जो हमारी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ यहीं कहीं सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं कल, एक और कल नहीं आज 11 बजे, और उसके बाद फिर कल नए व्लॉग में। तो भाई सब अच्छे से रहो,